गाइस वेलकम टू माय चैनल वंशुभ। कैसे हैं आप? जिस वीडियो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं वो एक्सट्रीम रूम मेकओवर वीडियो फाइनली आ गया है। सो गाइस आप लोगों ने इसके पहले 3 पार्ट्स देख लिए हैं जिसमें मैंने छोटे छोटे क्राफ्ट करके इस वॉल को एंड देन इस वॉल इस जो पार्ट को इसको अलमीरा को हम लोगों ने डेकोरेट करने के लिए छोटे छोटे से क्राफ्ट बनाए, उन्हें डेकोरेट किया। वेल अभी सब कुछ मैंने हटा दिया क्योंकि अभी मैं इस पूरे एरिया का मेकओवर करने वाली हूँ जो कि आप लोगों के सामने ही करने वाली हूँ। आप लोगों को सबसे पहले हमारा इस पूरे एरिया का हम लोग टूर करा देती हूँ कि ये एरिया पहले कैसा था एंड बाद में हम लोग कैसा बनाने वाले हैं, वो तो आप लोग देख ही जाएंगे। वैसे आप लोग समझने में बहुत कुछ तो देख ही चुके हैं। सो अभी आप लोग पहले इस पूरे एरिया को देख लीजिए, देन आई विल कैच यू लेटर। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा एरिया था जहाँ पे थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा था मेरे रूम का, जिसे मैंने थोड़ा बहुत शिफ्ट किया है। इसकी वजह से इसके थोड़ा बहुत ब्लैकिश वगैरह भी हो रखा है। सो अभी हम लोगों ने इसे पूरा क्लीन तो कर लिया है लेकिन अभी हमने इसका मेकओवर करना है, वो भी यूनिकॉर्न रेनबो थीम के बेसिस पे। हम लोग हमारा मेकओवर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे एरिया का मेकओवर करने वाली हूँ। सो इस एरिया के मेकओवर के लिए एज यू कैन सी दिस कि हम लोग इसके ऊपर पेस्ट करने वाले हैं हमारे स्पेशल से क्राफ्ट। साथ ही साथ बाद में फिर आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। यहाँ नीचे की साइड हम लोगों ने ये सोफा बना दिया है एंड सोफा के ऊपर हम लोग डेकोरेटिव पार्ट्स लगाने वाले हैं। इसके डेकोरेशन के लिए मैंने इसके ऊपर ये स्पेशल सी सॉफ्ट सी चुन्नी भी लगा दी है। ओके गाइस अभी हम लोग जल्दी से हमारे इस डेकोरेटिव स्पेशल मैं ये लेकर के आई हूँ। देख लिया एज यू कैन सी दिस कितना ब्यूटीफुल रेनबो कलर का है ये। सो अभी हम लोग इसे हमारे यहाँ पे लगाने वाले हैं। सो जल्दी से मैं ये लगा देती हूँ। गाइस तो आप लोगों ने देख लिया है ये मेरा पूरा एरिया जो कि इस साइड का सिर्फ इतना सा जो एरिया था उसे मैंने ब्लू एंड यूनिकॉर्न रेनबो थीम के बेस पे बनाया है। उसके पीछे ये स्पेशल से हर्ट शेप के अंदर मैंने ये झूमर भी लटकाया है। आप लोग देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जो सोफा है वो मैंने स्पेशली ब्लू लिया है जस्ट बिकॉज, ताकि हम लोग बाकी सब बहुत ज्यादा पिंकिश एंड रेनबो कलर का कर रहे हैं तो उसे वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कलर भी देगा। एंड साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्पेशली यहाँ जो कि ये रेनबो थीम के बेसिस पे मेरे पास में ये था तो मैंने इसे यहाँ पे रखा है ताकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। एंड साथ ही साथ मेरे पास में एक रेनबो कलर की थोड़ी बहुत कोई एक अम्ब्रेला थी तो उसे मैंने यहाँ रखा है। मैंने उसे ओपन करके भी रखने की कोशिश करी थी, वो बिल्कुल भी वो रख नहीं पा रहे बिकॉज वो पूरा कवर हो रहा है। सो वो मैंने नहीं रखा है। एरिया में यहाँ सोफे पर ही बैठी हूँ। सो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, सिर्फ एक इतना सा एरिया ही इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस एरिया के जस्ट इधर पास में स्पेस है और उसके पास में हम लोगों ने एक सोफा बना के लगाया है जो कि गद्दे का बना के लगाया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। बट जो बीच में हमारा जो स्पेस है उस स्पेस पे मैं स्पेशल टेडीज एंड ये डॉगी लेकर के आई हूँ और इन दोनों को भी मैं लगाने वाली हूँ ताकि ये दोनों भी थोड़ा ये लाइट पिंकिश कलर का है और ये रेड कलर का है, डार्क रेड कलर का। सो ये दोनों भी अपना एक स्पेशल लुक इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। सो अभी जल्दी से मैं इन्हें भी यहाँ पर रखने वाली हूँ और उसके साथ ही बाद में फिर मैं आपको इधर के एरिया का इधर वाले एरिया का पूरा लुक देती हूँ। गाइस एज यू कैन सी दिस एरिया कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये मैंने जो 2 टेडीज लिए थे वो दोनों टेडीज को भी यहाँ पे रख दिया है। एंड अब उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने हमारा जो क्राफ्ट बनाया था वो रख दिया है। एंड यू कैन सी इसका जो ये यूनिकॉर्न का जो हॉर्न है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और ये स्पेशली इसके पिंक कलर के इयर्स, इसका क्यूट सा ये फेस एंड ये पूरे रेनबो स्ट्रिप्स। ओके गाइस आप लोग देख सकते हैं ये पूरा हम लोगों का रेनबो जो कि मैंने बनाया था वो हमारे इस डेको के साथ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये हमारा वो साइड का कॉर्नर है पूरा और अभी आते हैं इस कॉर्नर पे। सो गाइस एज यू कैन सी दिस कि ये पूरी वॉल है हम लोगों का, ये पूरा क्लाउड्स बनाए हैं जो कि हम लोगों ने सारे चार्ट पेपर से बनाए हैं। इसमें ये जो क्लाउड है इसमें हम लोगों ने ब्लू कलर का ग्लिटर किया है, इस पे हम लोगों ने पिंक कलर का एंड इस पे ब्लू कलर का फिर से ग्लिटर किया है। एंड इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी गाइज, एक एक बेल को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था, इसलिए प्लीज लाइक कीजिएगा। सो इसमें हम लोगों ने ये पूरे डिफरेंट कलर के ट्राइंगल्स बनाए थे जिसपे कलरिंग भी हम लोगों ने खुद ने अपने हाथों से किया है। एंड उसके बाद में हम लोगों ने ये वुलन के छोटे से फ्लावर्स बनाए, ये पूरा लंबे फ्लावर बनाए पूरा। एंड इन्हें फिर 5 मिनट में 5 बेल बनाई है इनकी। सबसे नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर यूज किया है, देन उसके ऊपर पर्पल, देन पिंक, ग्रीन, ऑरेंज। एंड एज यू कैन सी दिस रेनबो में जो कलर होते हैं हमने लगभग सारे कलर इंक्लूड किए हैं ताकि हमारी ये पूरी रेनबो वॉल बन सके। और आप लोगों को इस पे रेनबो का पूरा थीम और लुक तो आ ही रहा है एंड आप लोगों को फील भी आ ही रहा होगा रेनबो का पूरा। और अब मैं आपको पूरे एरिया का दिखा देती हूँ लुक। आप लोगों ने देख लिया जो एक कॉर्नर को जो कि देखने में पहले बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लग रहा था, उसे कितना ब्यूटीफुल बना दिया है। पूरा रेनबो के बेसिस पे एंड यूनिकॉर्न थीम लिया है। उस जो कॉर्नर था उसे हम लोगों ने यूनिकॉर्न रेनबो क्राफ्ट से डेकोरेट करा है और इसे पूरी रेनबो वॉल से डेकोरेट करा है। साथ ही देख सकते हैं कि ये जो लाइट्स आ रही है हम लोगों ने एक रेनबो लाइट यूज करी ताकि वो हमारे इस लुक को और भी ज्यादा इनहेंस कर सके और ताकि बहुत ही ज्यादा एक ब्यूटीफुल सा रेनबो का इफेक्ट दे सके, इसलिए लाइट पूरी आ रही है और ये पूरे डेकोर को एक अपना ही एक स्पेशल लुक दे रही है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर से बताइएगा। ये मेरा पूरा एक्सट्रीम रूम मेकओवर वीडियो था जो कि रेनबो यूनिकॉर्न थीम पे बेसिस था, जो कि आप लोग बहुत टाइम से देख भी रहे थे, वेट कर रहे थे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस रेनबो वॉल को बनाने में हमें सबसे ज्यादा मेहनत लगी है बिकॉज हम लोगों ने इसका एक छोटे छोटे से पार्ट को हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। लॉकडाउन की वजह से बाहर से हम लोग कुछ भी नहीं लेकर के आ पा रहे थे, जो कि सबसे ज्यादा हमारा टाइम जो कि हम लोगों को 3 days बनाने में सिर्फ इस एक वॉल को बनाने में लगे हैं। इसलिए प्लीज इस मेहनत के लिए इस वीडियो को बहुत सारे लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टाइप का कोई और मेकओवर वीडियो भी करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे बताइएगा। इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जॉइन। बाय बाय, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।